नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल, डायरेक्टर ऑफ सप्तम एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ नया इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने पेश हो रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली नीट यूजी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। यस दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो कंडीशन आपको पता ही होगी कि पूरा इंडिया, इवन पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन कंडीशन में आ गया हुआ है, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो नीट का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कल आपको इश्यू होना था 27 को, वो 27 को पोस्टपोन कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़ के हिसाब से 27 का डेट जो था उसको पोस्टपोन करके उसका जो नया डेट है वो 14 तारीख को आपको बताया जाएगा। 14 तारीख को जिस दिन लॉकडाउन कंडीशन क्लियर की जाएगी उसके बाद आपको उसकी जानकारी दी जाएगी, तो वहाँ तक आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली नहीं है। दैट मीन्स कि एडमिट कार्ड अभी कैंसिल हो रहा है, दैट मीन्स कि एग्ज़ाम के अंदर भी चेंजेस आने के चांसेस पूरे हैं। रीज़न उसके पीछे दूसरा भी है कि CBSE का और इंटरनेशनल बोर्ड का एग्ज़ाम अभी तक बाकी है, तो उसके अकॉर्डिंग नीट का एग्ज़ाम में भी शायद मेरे हिसाब से जून के एंड तक लिया जाएगा। मई के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मे भी शायद जून एंड या जून फर्स्ट वीक के अंदर ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और उसका रिजल्ट मे भी शायद जुलाई के अंदर रिलीज़ किया जाएगा। मीन्स इस साल पूरा जो भी है आपका साइकिल वो एक महीना पीछे चलने वाला है, मे बी शायद उससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द कंट्री कंडीशन। सो आज के लिए बस इतना ही, अपनी तैयारी बने रखिए। नीट को पोस्टपोन किया गया है, डेट चेंज होगा, कैंसिल नहीं किया गया है। मीन्स वो एग्ज़ाम तो आपका होने ही वाला है, तो उसके लिए जो भी तैयारी आप कर रहे हो वो चालू रखिए, उसको रोकने की ज़रूरत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सबको बेस्ट ऑफ लक मेरी ओर से नीट के अगले एग्ज़ाम के लिए। वहाँ तक आपसे अलविदा लेता हूँ मैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, इवन सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको नए नए न्यूज़ हमारे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।